नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांदेड़ के हैदर फंक्शन हॉल में। यहाँ पर कई पिछले साल जब कोरोना की वबा का मामला शुरू हुआ था, तब एक मालेगांव के अंदर एक काढ़े का जो है ईजाद हुआ था, उसका उरूज वहाँ से हुआ था, मंसूरी काढ़ा जिसका नाम रखा गया था। तो उसी काढ़े को नांदेड़ के अंदर ए वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नांदेड़ के अवाम को बिला किसी मुआवजे के पिछले साल भी मुहैया किया गया था, इस साल भी मुहैया किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब फरहान कुरैशी साहब, वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदार। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे प्रोसेस के अंदर ये जितना भी वो लोगों ने काम करने की कोशिश की है, इसमें ये लोगों को किस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिला है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से ये सब चीज़ें ये लोग अमल पैरा हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि अभी पिछले साल भी आप लोगों ने इसका नज़्म किया था, ये साल भी आप लोगों ने इसका नज़्म किया है, तो पिछले साल से और ये साल से फ़र्क क्या जाना? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नांदेड़ आज जिस हालात से, आज जिस दौर से गुज़र रहा है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो ऐसे वक्त में कोरोना महामारी के अंदर पिछले साल जो वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ने एक कदम इस महामारी में बढ़ाते हुए उठाया था, उसी के मद्देनज़र आज के हालात को देखते हुए वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ने मालेगांव का जो मंसूरी काढ़ा है, वो काढ़ा सिर्फ ना के देने का बल्कि उसको बना करके कंप्लीट तैयार करके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त पिलाने का नज़्म जो है यहाँ हैदर फंक्शन हॉल में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो रिस्पांस आप देख रहे हैं कि लोगों में एक मतलब उत्साह है कि उनको ऐसे वक्त में जहाँ दवाइयाँ उनको नसीब नहीं हो रही है, दवाइयाँ जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसे वक्त में वो लोगों को जो है मंसूरी काढ़ा की शक्ल में, एक जो है दवा की शक्ल में उनको इम्यूनिटी बूस्टर बोल के यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आपको कहीं इस तरीके के लोगों के रिस्पॉन्स मिले होंगे, लोगों का आपको उनके पास से जवाब आया होगा कि मंसूरी काढ़ा और ये जो काढ़ा आप लोग पिला रहे हैं, ये पिलाने के बाद किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या लोगों के तासुरात हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस काढ़े को जिस बंदे ने एक बार पी लिया, वो मुसलसिल 2 अप्रैल से हमारा जो प्रोग्राम है वो चालू है इस फंक्शन हॉल में मुफ्त पिलाने का, तो 2 अप्रैल से लेकर आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 अप्रैल, तो बिला नागा वो ख़ुद तो यहाँ आकर पी रहे हैं, और उसके अलावा हमने पार्सल का भी जो नज़्म रखा है तो वो गुजारिश करके जो है पार्सल भी लेकर जा रहे हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस काढ़े का फ़ायदा उस बंदे को या उस पर्सन को हो रहा है, तभी जा कर के वो इतनी मतलब इसको इतना रिस्पॉन्ड कर रहा है। मेरा एक एक सवाल ये है कि पिछले साल भी आप लोगों ने किया था, ये साल भी आप लोग कर रहे हैं, आगे जाके जिस तरीके से महाराष्ट्र के और ख़ास तौर से नांदेड़ के हालात है, जिस तरीके से कोरोना के मरीज़ों के अंदर तादाद के अंदर बड़ा इजाफा देखा जा रहा है, तो आगे जाके आप लोग इसको किस तरीके से लेकर चलने वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह वतन माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ने अब तक कौम व मिल्लत के बिना किसी धर्म जाति को देखते हुए सभी धर्मों को लेकर के उनके भलाई के काम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी कमेटी और कमेटी के तमाम मेम्बरान साथी वगैरह जो है मिल करके ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हमेशा कदम से कदम मिलाकर तैयार रहेंगे। ये थे जनाब फरहान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद। वतन वेलफेयर सोसाइटी ने एक बड़ा ही पुरअज़्म जो है सो कदम उठाया है इस हालात के अंदर, जिस वक्त नांदेड़ के कई अवाम, नांदेड़ के कई लोग एक अजीब कशमकश और अजीब हालात का जो है सो सामना कर रहे हैं, तो हम नांदेड़ सिटी न्यूज़ के ज़िम्मेदारान की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और नांदेड़ के तमाम ही अवाम की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।